वेल, आई एम निम्रा आदिल फ्रॉम केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, भलवाल। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेस करता है इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंस। यानी हम ये चेक करेंगे कि जो इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस है उसको यूज़ करके हम इंडस्ट्री में क्या क्या बेनिफिट्स ऑब्टेन कर सकते हैं। सो हमारे पास एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम सबसे पहला प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं। अगर आपको प्योर सोडियम ऑब्टेन करना है तो आप एक ख़ास सेल यूज़ करेंगे, उस इलेक्ट्रोलिसिस के फिनोमेना को यूज़ करके आप प्योर सोडियम को ऑब्टेन कर सकते हैं। इस पूरे टॉपिक में हमने टोटल जो है यहाँ पे आपके साथ 7 पॉइंट्स डिस्कस करने हैं, जहाँ हम मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो वक्फन फवक्फन ऑब्टेन करते जाएंगे। सबसे पहले हेडिंग है एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम, यानी हम प्योर सोडियम ऑब्टेन करेंगे, उसको हासिल करेंगे। देन प्रिपरेशन ऑफ कास्टिक सोडा, हम प्योर कास्टिक सोडा ऑब्टेन करेंगे। देन हम क्या ऑब्टेन करेंगे जी, अगर आपने प्योर कैल्शियम या मैग्नीशियम ऑब्टेन करना है, उनको एक्सट्रैक्ट करना है, तो उनको कैसे ऑब्टेन करेंगे। उसके बाद हम एनोडाइज एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करेंगे, और एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम के बाद उस एल्यूमिनियम को यूज़ करके हम एनोडाइज एल्यूमिनियम प्रोड्यूस करेंगे। उसके बाद कॉपर को हम प्योर फॉर्म में ऑब्टेन करेंगे। प्योर फॉर्म में कॉपर ऑब्टेन करने के बाद एक लास्ट पॉइंट है जहां हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग, यानी मेटल्स की डेपोजिशन की जाएगी मुख्तलिफ सब्सटेंसेस पे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जी एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में। आपने सबसे पहले करना क्या है, आपने लेना है फ्यूज्ड NaCl, और फ्यूज्ड NaCl की आपने करवानी है इलेक्ट्रोलिसिस। फ्यूज्ड NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस करवाने के लिए जो सेल यूज़ होगा दैट इज़ नोन एज ए डाउन सेल। डाउन सेल में आपने उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करवानी है। इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हुए दो चीज़ों का आपने ख़ास ख्याल रखना है, चूंकि हम दो इलेक्ट्रोड यूज़ करेंगे, उनमें से एक एनोड होगा और एक कैथोड होगा। लेकिन जब आपने एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम करनी है, इन सब पॉइंट्स में इलेक्ट्रोड और कैथोड डिफरेंट होते जाएंगे। सबसे पहला जो पॉइंट है दैट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम, तो उसमें याद रखिएगा कि कैथोड हमेशा हम आयरन का बना हुआ लेंगे और एनोड हमेशा हम ग्रेफाइट का लेंगे। उनको एक्सटर्नली हम किसी बैटरी के साथ कनेक्ट करके इलेक्ट्रोलिसिस का फिनोमेना परफॉर्म करवाएंगे। अब होगा क्या, इस मेथड से यानी आपने जब सब्सटेंस लेके उसमें से करंट पास करवाना है तो आपके पास दो चीज़ें ऑब्टेन होंगी। एक तो आपके पास सोडियम ऑब्टेन होगी, और एक आपके पास क्या ऑब्टेन होगी, क्लोरीन। जो सोडियम ऑब्टेन होगी वो हमारी रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है, यानी हमें एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम कर रहे थे, हमें सोडियम चाहिए थी, इसलिए वो हमारी क्या हो जाएगी, मेन प्रोडक्ट हो जाएगी। जबकि क्लोरीन जो हमें नहीं चाहिए वो एज अ साइड प्रोडक्ट हमारे पास क्या होगी, ऑब्टेन होगी। होगा क्या, NaCl सॉलिड स्टेट में है, जब हम इसको तोड़ेंगे तो ये अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा, Na पॉजिटिव, और दूसरे आयंस कौन सा होगा, क्लोराइड आयंस। अब होता क्या है, दो सोडियम आयंस दो इलेक्ट्रॉन ऑब्टेन करेंगे, और ऑब्टेन करके क्या करेंगे, 2Na बनाएंगे। हमारे पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो भी नेगेटिव चीज़ होगी वो पॉजिटिव टर्मिनल पर जाएगी, और जितनी पॉजिटिव चीज़ें होंगी वो नेगेटिव टर्मिनल पर जाएंगी। तो सोडियम के ऊपर चार्ज है पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव टर्मिनल यानी कि कैथोड पे जाएंगे, जबकि क्लोरीन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है ये पॉजिटिव टर्मिनल यानी एनोड पे जाएंगे। तो सोडियम ने क्या किया, कैथोड पे गया, कैथोड से इसने दो इलेक्ट्रॉन रिसीव किए और सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। चूंकि इसने दो इलेक्ट्रॉन रिसीव किए, गेन किए, इसलिए इसकी क्या हुई, रिडक्शन। जबकि दूसरी साइड पे एनोड पे क्या था, क्लोराइड आयन ने मूव किया टुवर्ड्स एनोड, वहाँ जाके दो इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए और कन्वर्ट हो गया 2Cl के अंदर। चूंकि इलेक्ट्रॉन लूज किए इसलिए क्लोरीन की क्या हो गई, ऑक्सीडेशन। अब क्या हुआ, ये दोनों क्लोरीन आपस में जुड़ेंगे और आपके पास क्या बनाएंगे, Cl2 गैस बना देंगे। ठीक हो गया जी, हमें लेकिन Cl2 नहीं चाहिए, हमने कहा ये बाय प्रोडक्ट है, ये चीज़ हमें चाहिए थी, इसलिए हम कह देंगे कि सोडियम हमारे पास क्या है, एक मेन प्रोडक्ट है। उसके बाद क्या आता है जी, प्रिपरेशन ऑफ कास्टिक सोडा। प्रिपरेशन ऑफ कास्टिक सोडा में आपने क्या करना है, पहले हमने लिया फ्यूज्ड NaCl। अब आपने फ्यूज्ड NaCl नहीं लेना, आपने एक्वस सॉल्यूशन लेना है NaCl का, लेकिन एक्वस सॉल्यूशन भी आपका डाइल्यूटेड नहीं होना चाहिए, दैट शुड बी कंसंट्रेटेड। आपने कंसंट्रेटेड एक्वस NaCl का सॉल्यूशन ले लिया, उसकी आपने क्या करवाई, इलेक्ट्रोलिसिस, और आपके पास ऑब्टेन क्या होगा, कास्टिक सोडा। लेकिन कास्टिक सोडा प्रिपेयर करने के लिए जो सेल यूज हुआ
पहले हमने डाउन सेल यूज़ किया, लेकिन अब हम डाउन सेल नहीं यूज़ करेंगे, आप नल्सन सेल यूज़ करेंगे जिसको कास्टनर कैलोर सेल्स भी कहा जाता है। या मतलब आप ये सेल तीन तरह के सेल यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो नल्सन सेल यूज़ करें, चाहे तो कास्टर वाला सेल यूज़ करें, या चाहे तो मर्करी सेल्स यूज़ करें। आपने लेना है एक्वस NaCl और उसकी कहानी है इलेक्ट्रोलिसिस, तो आपको ऑब्टेन होगा कास्टिक NaOH, कास्टिक सोडा। लेकिन अगर आपने प्योर सोडियम ऑब्टेन करना है तो आप एक्वस सॉल्यूशन नहीं लेंगे, आप फ्यूज्ड लेंगे और उसकी भी इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे, और वहाँ जो सेल यूज होगा दैट इज नोन एज डाउन सेल। यहाँ डाउन सेल, यहाँ नल्सन सेल, यहाँ आपने फ्यूज यूज़ किया, यहाँ पे आपने एक्वस यूज़ किया। यहाँ कैथोड किस चीज़ का था? आयरन का था, लेकिन यहाँ पे कैथोड किस चीज़ का होगा? स्टील का होगा या मर्करी का होगा। यहाँ एनोड ग्रेफाइट का है, यहाँ एनोड टाइटेनियम का है। इन दोनों में डिफरेंस होप्स आप लोगों को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट दो, इसमें भी क्या होगा? NaCl टूटेगा, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में कन्वर्ट होगा। क्लोराइड आयन जाएंगे एनोड पे, वहाँ अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे और कन्वर्ट हो जाएंगे Cl2 में। ये हो गई चूंकि इलेक्ट्रॉन लूज किए इसलिए ऑक्सीडेशन। जबकि रिडक्शन पे, रिडक्शन हाफ में चूंकि अब एक्वस सॉल्यूशन है, इसका मतलब एक्वस सॉल्यूशन के साथ अब पानी का भी जिक्र आ गया, इसलिए एक्वस सॉल्यूशन की वजह से यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल ने जो एनोड से इलेक्ट्रॉन आए उन इलेक्ट्रॉन को रिसीव किया और किस फॉर्म में शिफ्ट हो गए? हाइड्रोजन और OH की फॉर्म में। यहाँ पे क्या हुआ है, ये मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि अगर NaCl फ्यूज्ड फॉर्म में होगा तो सादा सोडियम और सादा क्लोरीन, लेकिन अगर आपके पास NaCl जो है वो फ्यूज्ड फॉर्म में नहीं है बल्कि वो एक्वस फॉर्म में है तो उस केस में आपकी प्रोडक्ट्स डिफरेंट होती हैं, ठीक है जी। उसके बाद क्लोरीन एंड हाइड्रोजन आर बाय प्रोडक्ट, ये एक रिएक्शन लिखा हुआ है, ये जो स्टेप्स लिखे हुए हैं उन्हीं का कंप्लीट स्टेप है। सोडियम आयन, क्लोराइड आयन को वाटर की प्रेजेंस में आपने इलेक्ट्रोलिसिस करवाई, चार प्रोडक्ट्स आपके पास आई, क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस, सोडियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन। इस प्रोसेस में क्लोरीन और हाइड्रोजन दोनों हमारी क्या है? बाय प्रोडक्ट्स हैं। सोडियम जो है वो हमारे पास एनोड पे डिस्चार्ज नहीं होता, ठीक हो गया जी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कैल्शियम और मैग्नीशियम। आपने क्या लेने हैं? जैसे आपने फ्यूज सॉल्ट NaCl का लिया था, इसी तरह हम फ्यूज सॉल्ट लेंगे कैल्शियम का और मैग्नीशियम का, उसकी भी क्या करवाएंगे? इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे और हमारे पास प्योर कैल्शियम और मैग्नीशियम ऑब्टेन हो जाएगा। लेकिन डिफरेंस क्या है? कैथोड वहाँ आयरन का था, यहाँ ग्रेफाइट का था। यहाँ पे हम क्या करेंगे? जो भी मेटल, जिस मेटल को आप सेपरेट आउट करना चाह रहे हैं, मैग्नीशियम या कैल्शियम, इनके आप यूज़ करेंगे कैथोड, और जो क्लोरीन है वो आपके पास कहाँ पे ऑब्टेन होगी? एनोड। यानी यहाँ पे जो भी मेटल आप एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं वो आपको कहाँ पे हासिल होगी? वो आपको कैथोड पे हासिल होगी, जबकि जो दूसरी चीज़ है वो आपके पास कहाँ आएगी? एनोड पे। यानी इस केस में सोडियम आपके पास कैथोड में आया था, इस केस में कैल्शियम और मैग्नीशियम कैथोड पे आए हैं। इसी तरह नेक्स्ट आपने क्या करनी है? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम आपने क्या करना है जी? आपने लेना है फ्यूज्ड बॉक्साइट। बॉक्साइट लेके उसके अंदर आप क्या डालेंगे? क्रायोलाइट डालेंगे। बॉक्साइट प्लस क्रायोलाइट, इन दोनों को ऐड करके आप उनमें से पास करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। जब उनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो आपके पास क्या ऑब्टेन हो जाएगा? एल्युमिनियम ऑब्टेन हो जाएगा। ये जो प्रोसेस है जिसमें आपने बॉक्साइट के अंदर क्रायोलाइट ऐड किया है, इसको आप हॉल बिरॉल्ट प्रोसेस भी कहते हैं। और ये रहा आप लोगों का बोर्ड का इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन आपको अपनी एक्सरसाइज में भी मिलेगा, पास पेपर्स में भी मिलेगा, मॉडल पेपर में भी मिलेगा, इवन आपको 2023 के जो पेपर्स हुए थे, 2022-23 वाला जो बैच था, उनके पेपर्स में भी आपको ये क्वेश्चंस मिलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है प्रिपरेशन। एल्युमिनियम आपने प्योर फॉर्म में ऑब्टेन कर लिया, अब आपने क्या करना है जी? एनोडाइज्ड एल्युमिनियम। एनोडाइज्ड का मतलब क्या? एनोड से कुछ लिंकिंग है इसकी, होता क्या है? This is prepared by making it as an anode. Anodized aluminium prepare करने का मतलब है आपने aluminium को as an anode लेना है, और जो नीचे solution होगा जिस chamber में आपने electrode fit किए हैं, anode पे आपने aluminium ले लिया, दूसरा कोई और electrode होगा, नीचे जो solution लिया होगा वो solution आपके पास sulfuric acid या chromic acid का होगा। ये sulfuric acid या chromic acid क्या करेंगे?
वो जो आपके पास मेटल है एल्युमिनियम, उस एल्युमिनियम को कन्वर्ट कर देंगे एल्युमिनियम ऑक्साइड में, उसके ऊपर एक कोटिंग करके। वो जो एल्युमिनियम ऑक्साइड बनेगा वो हमारे पास इसके ऊपर एक ऐसा मटेरियल बना देता है जिसकी वजह से इसके ऊपर अगर कोई रिएजेंट रिएक्ट करना चाहे, कोरोसिव रिएजेंट, जंग लगाने वाला रिएजेंट आके उस पर जंग लगाना चाहे, तो वो नहीं लगा पाता। क्यों नहीं लगा पाता? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस ऑक्साइड लेयर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट नहीं आएगा, बल्कि ये डायरेक्ट भी मेरे ख्याल आया हुआ है आप लोगों का कि एनोडाइज एल्यूमिनियम कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं। आपने एल्यूमिनियम को एज अ एनोड लेना है और नीचे सॉल्यूशन में आप सल्फ्यूरिक एसिड या क्रोमिक एसिड लेंगे। सल्फ्यूरिक एसिड और क्रोमिक एसिड उस एनोड के ऊपर एक थिन कोटिंग बना देंगे और वो एल्युमिनियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। वो एल्युमिनियम ऑक्साइड फर्दर क्रोसिव रिएजेंट के साथ रिएक्ट नहीं करता और जंग नहीं लगता। ये जो एनोडाइज एल्युमिनियम है उसको आप हाइड्रेट करेंगे और उसके ऊपर डिफरेंट तरह के डाइज जो हैं वो एब्जॉर्ब हो सकते हैं। उसके बाद 6 पॉइंट है, आपने कॉपर को प्योरीफाई करना है। कॉपर को प्योरीफाई करने के लिए आप 2 इलेक्ट्रोड लेंगे, एक एनोड और एक कैथोड। एक साइड पे इम्प्योर कॉपर होगा और एक साइड पे प्योर कॉपर होगा। इम्प्योर जिसको ना खालिस कॉपर कहते हैं उसका बनाना है आपने एनोड। यहाँ से प्योर हो के वो कहाँ पे इकट्ठा होता जाएगा? कैथोड पे इकट्ठा होता जाएगा। इधर इम्प्योर कॉपर और यहाँ पे आपने क्या लेना है? प्योर कॉपर। जब आपने नीचे जो इलेक्ट्रोलाइट लेना है, मतलब आपने ये 2 इलेक्ट्रोड हैं, एक आप एक इम्प्योर कॉपर का ले लें और एक आप प्योर कॉपर का ले लें। एक को मैं स्टार से जाहिर कर रही हूँ और एक को मैंने सिंपली यूज जाहिर किया। नीचे आपने सोल्यूशन लेना है, ये जो सोल्यूशन है इसके अंदर आपने कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन डालना है। ठीक हो गया। अब होगा क्या, जो इम्प्योर कॉपर है यानी एनोड, वहाँ से कॉपर क्या करेगा? इम्प्योर कॉपर एनोड से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Cu+2 में। हो क्या रहा है यहाँ पे? समझ आपको भी कुछ नहीं आ रही। बात इतनी सी है, 2 लेने हैं कॉपर के इलेक्ट्रोड, उनको डिप कर देना है कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में। ठीक हो गया। एक कॉपर जो इम्प्योर है वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और चला जाएगा सॉल्यूशन में। वो जो 2 इलेक्ट्रॉन निकले वो इलेक्ट्रॉन वहाँ से जंप करके किधर जाएंगे? दूसरी साइड पर जाएंगे। बात समझ आ गई? तो यहाँ पर यही बात है, कॉपर जो कि इम्प्योर है वो वहाँ से कॉपर एनोड आर कन्वर्टेड टू Cu+2 आयंस। कॉपर कन्वर्ट हो जाएगा +2 आयंस, इसका मतलब उसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए हैं। एंड आर माइग्रेटेड टू कैथोड, और ट्रैवल किधर कर गया? कैथोड पे। कौन से कैथोड पे? दूसरे कैथोड पे, जो कि किस चीज़ से बना था? प्योर कॉपर से था। इसका मतलब जितना प्योर कॉपर था उसने अपने इलेक्ट्रॉन वहाँ से लूज किए और प्योर फॉर्म में किधर जाता गया? दूसरी साइड पे चला गया। कॉपर एनोड प्योरीफाई हो गया और जितनी इम्प्योरिटीज थी वो कहाँ रह गई? एनोड पे रह गई। कॉपर इलेक्ट्रॉन लूज करके Cu+2 में कन्वर्ट होगा और डिपॉजिट हो जाएगा जाके प्योर वाले पे, और पीछे जितनी फालतू चीज़ें हैं वो वहाँ पे ही एनोड पे ही अवेलेबल होंगी। लास्ट पॉइंट जी, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। आप मुख्तलिफ तरह के सेल्स यूज़ करते हैं, मुख्तलिफ तरह के सेल्स यूज़ करके मुख्तलिफ एलिमेंट्स की डेपोजिशंस कर सकते हैं, जिसको हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। कॉपर है, सिल्वर है, निकल है, क्रोमियम है, इनकी प्लेटिंग की जा सकती है मुख्तलिफ तरह के सेल्स को यूज़ करके। इसका मतलब क्या है इलेक्ट्रोप्लेटिंग का? वन मेटल डिपॉजिट ऑन द सर्फेस ऑफ अदर मेटल, एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल की कवरिंग करना क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाता है। उसके साथ कमर्शियल यूजेस हमने डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट आपके पास है वोल्टिक या गैल्वेनिक सेल। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स को, आज हम बात करेंगे वोल्टिक सेल की। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमने बात की थी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करें और केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस करें। आज हम केमिकल रिएक्शन करवाएंगे और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवाएंगे। तो एक ऐसा सेल जिसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, ऐसे सेल को हम क्या कहते हैं? वोल्टिक सेल कहते हैं। ये पिछले सेल से बिल्कुल डिफरेंट है। वहाँ हमने एक सेल लिया था, 2 इलेक्ट्रोड उसी में डिप किए थे। आज का जो सेल है उसमें, आज का जो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है इसमें 2 सेल्स यूज़ होते हैं। एक को हम ऑक्सीडेशन हाफ कहते हैं और एक को हम रिडक्शन हाफ कहते हैं। ये एक हाफ सेल है, ये एक हाफ सेल है। यहाँ मैं इस वक्त जो बात कर रही हूँ, इस वक्त मैं बात कर रही हूँ कॉपर सल्फेट की। कॉपर सल्फेट ने हमारे पास रिएक्शन किए हैं जिंक के साथ और बनाएगा जिंक सल्फेट। लेकिन ये रिएक्शन कैसे होता है कि कैसे कॉपर जिंक जो है वो हमारे पास अपने इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ये गेन करता है? इन चीज़ों की शायद आपको समझ आ रही है या नहीं, लेकिन सादा सी बात है
आपने कैसा सेल यूज़ करना है जिसमें आपने केमिकल रिएक्शन करवाना है और बनेगी इलेक्ट्रिसिटी। इसको ऐसा काम करने के लिए जो सेल यूज़ करते हैं हम कहते हैं दैट इज़ नोन एज हाफ सेल। उसके दो चैम्बर होते हैं, एक को हम एक हाफ सेल कहते हैं, दूसरे को दूसरा हाफ सेल कहते हैं। यहाँ पे एक में आपने ले लेना है जिंक का इलेक्ट्रोड, दूसरे में लेना है इलेक्ट्रोड कॉपर का। जिंक का इलेक्ट्रोड जिंक सल्फेट में डिप होगा और कॉपर का इलेक्ट्रोड कॉपर सल्फेट में डिप करना है आपने। यहाँ तक क्या लिखा हुआ जी? वो कहते हैं जी होगा क्या, जिंक ने अपने दो इलेक्ट्रॉन लूज किए और वो किस में कन्वर्ट हो गया, Zn प्लस टू में, जबकि दूसरी साइड पे कॉपर जो है उसने अपने दो इलेक्ट्रॉन लूज किए और किस में जा सकता है, कॉपर के अपने दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव में। इस चीज़ को मैं समझाती हूँ आपको थ्योरी की मदद से। चलिए जी, अब हम देख लेते हैं, एक सेल है ये और एक सेल है ये। यहाँ ये जिंक है और ये कॉपर है, दिस वन इज जिंक और नीचे मौजूद है जिंक सल्फेट। यहाँ ये है कॉपर और नीचे मौजूद है कॉपर सल्फेट। क्लियर हुआ? जिंक अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इसने दो इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। इसी तरह कॉपर भी अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है और जब ये दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये इस तरह आ जाएगा। ये चीज़ देखिए, ठीक हो गया जी। अब ये जो दो सेल हैं इनके दरमियान यहाँ पे मौजूद है सॉल्ट ब्रिज, ठीक होगी जी। सॉल्ट ब्रिज क्या है जी? सॉल्ट ब्रिज कंटेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KCl, यानी ये जो ब्लू कलर का है इसके अंदर KCl का सॉल्यूशन मौजूद है जेल की फॉर्म में, ठीक हो गया जी। अब लिखा हुआ जी जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जिंक ने अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, यहाँ पे ये जिंक था, इस जिंक ने अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, दो इलेक्ट्रॉन लूज किए जो यहाँ मौजूद है। खुद वो किस, जब दो इलेक्ट्रॉन लूज किए तो वो खुद किस में कन्वर्ट हो गया, जिंक प्लस टू में, और ये जिंक प्लस टू किधर आ गया, सॉल्यूशन के अंदर वापस आ गया। जिंक ने अपने दो इलेक्ट्रॉन लूज किए, दो इलेक्ट्रॉन ऊपर चले गए और वो खुद किस में चला गया, नीचे सॉल्यूशन में, ठीक हो गया। तो ये मैंने बात की है कि जिंक ने अपने इलेक्ट्रॉन लूज किए और नेगेटिव चार्ज आ गया। चूंकि अब यहां पे जिंक अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो इस पे इलेक्ट्रॉन की तादाद बहुत ज्यादा हो रही है। जिंक का इलेक्ट्रोड है, जिंक ने अपने इलेक्ट्रॉन उस इलेक्ट्रोड पे छोड़ दिया और खुद नीचे चला गया, तो ये जो इलेक्ट्रोड है उस पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया, इस वजह से हम एनोड कहते हैं। अब क्या है, नेगेटिव हो गया। अब वो कहते हैं इस इलेक्ट्रोड को आप किससे कनेक्ट कर दें, दूसरे इलेक्ट्रोड से कनेक्ट कर दें, यानी एक्सटर्नली दोनों को क्या कर दें, कनेक्ट कर दें। ये लिखा हुआ है, इफ़ द एक्सटर्नल सर्किट इज क्लोज्ड और दोनों इलेक्ट्रोड को आपस में जोड़ दिया जाए तो क्या होगा, इधर और इधर होगा रिएक्शन। कैसे होगा? ये जो दो इलेक्ट्रॉन थे ये यहाँ से मूव करके किधर आएंगे, दूसरी वाली साइड पर आएंगे। वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर ये जो कॉपर है, ये जो कॉपर है ये यहाँ पे Cu प्लस टू की फॉर्म में, ये वाला जो कॉपर है ये क्या करेगा, आने वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, और Cu प्लस टू इन दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और किस में चला जाएगा, कॉपर में। अब आपके माइंड में आएगा, मैडम आप तो कह रही थी कि जिंक भी इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, कॉपर भी इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दोनों लूज करते हैं बच्चे। लेकिन एक टॉपिक आप लोग आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि जिंक भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, कॉपर भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, लेकिन जिंक के इलेक्ट्रॉन देने की एबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है कॉपर की निस्बतन, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि जिंक का ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल क्या है, ज़्यादा है। इसलिए जब जिंक और कंपैरिजन दोनों कॉपर दोनों इकट्ठे आ गए तो हम कहते हैं कि यहाँ जिंक इलेक्ट्रॉन दे देता है, कॉपर इलेक्ट्रॉन देता नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन लेता है। यहाँ तक क्लियर हो गया? जिंक ने अपने दो इलेक्ट्रॉन दे दिए और खुद किस में कन्वर्ट हो गया, टू प्लस में। ये इलेक्ट्रॉन देने का काम कहाँ पे हो रहा है, एनोड पे, और इसलिए इसको क्या कहते हैं, यहाँ पे क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। यहाँ हुई ऑक्सीडेशन, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन आए और कॉपर ने वो इलेक्ट्रॉन ले लिए, इसको हम कहते हैं यहाँ पे क्या हो रही है, रिडक्शन, और ये क्या कहलाता है, कैथोड। तो कैथोड पे हो रही है, एनोड पे हो रही है ऑक्सीडेशन और कैथोड पे क्या हो रही है, रिडक्शन। अगर कैथोड प्लस एनोड जिंक और कॉपर को मिला दिया जाए तो हमारे पास कॉपर प्लस जिंक बनेगा और इस दौरान जो पोटेंशियल का चेंज है वो 1.1 वोल्ट आता है। वो कहते हैं कि अगर दो हाफ सेल्स की आप पिक्चर से जाहिर करने हैं तो आप क्या करेंगे, जिंक डिप है 1 मोलर जिंक सल्फेट में,
कॉपर डिप है 1 मोलर कॉपर सल्फेट में, तो आप क्या लिखेंगे, जिंक डिप्ड है जिंक सल्फेट में। ये एक पार्ट हो गया। अंदर दो लाइनें लिखी हुई हैं, वो दो लाइनें किस चीज़ को शो कर रही हैं, सॉल्ट ब्रिज को, जबकि दूसरी साइड पे कॉपर सल्फेट में डिप है कॉपर, और यहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्टेज कितनी है 1.1 वोल्ट। ओके जी, नीचे अब वही बातें दोबारा लिखी हुई हैं जो मैंने आपको पहले बता दी कि जिंक एनोड पे इलेक्ट्रॉन दे देगा, वो इलेक्ट्रॉन वहाँ से ट्रैवल करके दूसरी साइड जाएंगे और वहाँ से कॉपर उनको क्या कर लेगा, पिकअप करके कॉपर की फॉर्म में वहाँ कैथोड पे डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक हो गया जी, ये इसकी पिक्चर लिखी हुई है। इस पिक्चर में यही लिखा हुआ है कि जिंक यहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ बहुत ज़्यादा हो जाने की वजह से यहाँ पे चार्ज हम नेगेटिव का लगा रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रैवल करते हैं और दूसरी साइड पे कॉपर के पास जाते हैं और कॉपर उनको लेके गेन कर लेता है, इसलिए यहाँ पे रिडक्शन और यहाँ पे क्या है, ऑक्सीडेशन। लास्ट पॉइंट है आपके पास फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, ये जो सॉल्ट ब्रिज आपने यूज़ किया था इसका काम क्या है। नंबर वन, प्रिवेंशन ऑफ अक्यूमुलेशन ऑफ एनी नेट चार्ज। यहाँ आयन ज़्यादा हो गए तो दूसरी साइड पे, वहाँ ज़्यादा हो गए तो इस साइड पे, तो दोनों साइड को बैलेंस रखने का काम किसका है, सॉल्ट ब्रिज का। तो अगर हमारे पास नेट एक्यूमुलेशन, एक साइड पे सारा चार्ज इकट्ठा हो जाएगा तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा और सेल जो है दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय। एक और वजह भी ये है कि अगर आप सॉल्ट ब्रिज यूज़ नहीं करते तो दोनों चैम्बर के रिएक्शन जो मटीरियल है उनको अगर इकट्ठा कर दिया जाए तो उन दोनों में डायरेक्ट रिएक्शन होगा और डायरेक्ट रिएक्शन की वजह से ओवरऑल सेल क्या हो सकते हैं, डिस्ट्रॉय। तो सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन ये है कि उन दोनों को मेंटेन करना ताकि दोनों साइड पे नेट चार्ज अक्यूमुलेट ना हो। दूसरी बात ये है, ये दोनों सॉल्यूशंस को क्या करता है, दोनों साइड का जो सॉल्यूशन है चाहे वो कॉपर सल्फेट का है चाहे वो जिंक सल्फेट का है, दोनों को क्या रखेगा, न्यूट्रल रखेगा। इसके अलावा एक और इसका जरूरी काम है, ये मिनिमाइज या एलिमिनेट करता है लिक्विड जंक्शन के पोटेंशियल को। अब यहाँ पे चूंकि आइंस सॉल्यूशन में चले गए, इलेक्ट्रॉन्स की ट्रैवलिंग हुई, इसका मतलब ये है यहाँ पे वोल्टेज प्रोड्यूस हुआ, उस वोल्टेज प्रोड्यूस हुए को आप लोग यूज़ कर सकते हैं अपने लाइट्स या बल्ब्स के अंदर और मुख्तलिफ तरह की मोटर्स को ड्राइव करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी, और अगर किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। लेकिन याद रखिएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड पे पॉजिटिव चार्ज है लेकिन गैल्वेनिक सेल में एनोड पे नेगेटिव चार्ज है। वहाँ एक सेल यूज़ होता है और दोनों इलेक्ट्रोड उसी में डिप होते हैं, यहाँ दो सेल यूज़ होते हैं, एक में एक इलेक्ट्रोड और दूसरे में दूसरा इलेक्ट्रोड। यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज यूज़ होता है, वहाँ सॉल्ट ब्रिज यूज़ नहीं होता। थैंक यू सो मच।